मैं जब बिग बॉस जाने वाली थी, मुझे एक चीज लगी थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, या मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कि मैं किससे क्या बोलती हूँ, पर जब मैं उस घर में थी, मुझे एक्चुअली जेन्युइनली मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत चीज असर करती है, डेफिनेटली करती है. और क्योंकि आपकी आप कभी बाहर किसी से इस तरीके से लड़ते नहीं हो, आप आर्ग्यूमेंट्स करते नहीं हो, आप इतने आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन इस तरीके से उसे रखा नहीं जाता. तो जब मैं बिग बॉस के अंदर थी तब ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर आई, मुझे एक्चुअली मुझे अभी भी लगता है समवेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल बीइंग अराउंड विद लॉट ऑफ पीपल. अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इतनी कंफर्टेबली लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ओपनली बात नहीं कर पा रही हूँ. कहीं ना कहीं आई फील मैं बहुत काम हो गई हूँ, मैं बहुत शांत हो गई हूँ एक तरीके से. बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कभी नहीं करती थी. क्योंकि बाहर आने के बाद जब मैंने बहुत चीजें देखी, जिस तरीके से मैं चिल्लाई हूँ या मैंने बात की है, यू डोंट लाइक इट. आप जब अपने आप को इस तरीके से देखते हो तो कहीं आपको वो अच्छा नहीं लगता. तो मेरे अंदर एक बदलाव आया है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा भी और कहीं ना कहीं बुरा भी, दैट आई बिकम वेरी काम, थोड़ा शांत हो गई हूँ. और कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ उस पे मेरे मुझ पर कहीं ना कहीं उसने बहुत अफेक्ट किया है. तो एक उस चीज से फाइट बैक करने के लिए आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू कम आउट एज अ जैसे मैं पहले थी वैसी हो जाऊं. सो आई एम वेरी श्योर टाइम लगेगा लेकिन आई डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट. और फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, वेयर वुड यू सी मी, वेयर वुड वी सी यू? सो माय अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर, अगेन आई एम सेइंग, माय फिल्म इज कमिंग वीर सावरकर 22nd of March विद रणदीप हुडा, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स अ पेट्रियोटिक फिल्म. सो आई रियली होप यू गाइज लाइक इट. तो वो आ रही है 22 मार्च को आपके पास के सिनेमा घरों में. मुझे घर में एक्चुअली अपने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिग बॉस गए थे पहले, और जब मैं जाने वाली थी तो मैंने उनसे बात की थी. सृष्टि थी, रश्मि थी और आरती थी. तो मैंने इन सबसे पूछा था, एंड एवरीबडी टोल्ड मी इट्स इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत टफ होता है अंदर रहना. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि नहीं यार, इतना टफ नहीं है, सब कर लूंगी मैं, सब कर लूंगी. लेकिन एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दिस, इट्स नॉट इजी गाइस, इट्स जस्ट नॉट इजी. आप एक घर में हो 3 महीने से बंद, और उस घर में आपकी लड़ाइयां हो रही हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, सब कोई बराबर के होते हैं. आपके मुंह से भी गलत चीजें निकल जाती है, लोगों के मुंह से भी निकल जाती है, एंड समटाइम्स इट्स रियली नॉट इजी टू टेक दैट थिंग. क्योंकि ऑफ कोर्स आपको लगता है आप कुछ हो, किसी को लगता है आप कुछ, कोई कुछ और है, बट वहां पर ऐसा हो जाता है कि आप इतना सुन लेते हो लोगों का कि कहीं ना कहीं आपको उस घर के अंदर इतना रियलाइजेशन नहीं होता कि वो आपके मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं असर कर रही है. लेकिन व्हेन यू कम आउट, इट डेफिनेटली शायद विकी के दिमाग पे इतना असर नहीं हुआ, विकी इज एज इट इज जैसा था, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा उस चीज से रिकवर होने के लिए.